जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बड़ी यंग एंटरप्रेन्योर कहूँगी तो वो गलत नहीं होगा। और जो जज्बा और जो पैशन आपका होता है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ सर्व करें, तो वो उन्होंने बहुत बाखूबी अच्छे तरीके से निभाया और निभा रही हैं। और जितनी मेहनत और लगन से कर रही हैं, इंशाल्लाह वो बहुत ऊपर जाएंगी। मैं बात कर रही हूँ उनके उस प्रोफेशन के हवाले से जो आप अक्सर लोगों को देखते हैं अगर उस प्रोफेशन में होते हैं या इस तरह के कोई काम में जाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव उनका वो काम होता है और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक तबका होता है जो उन्हें अफोर्ड कर सकता है, वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और उन्होंने वैसे तो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के अंदर अपनी डिग्री हासिल की है, लेकिन और मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी उन्होंने अपने हाथ डाल ही दिए हैं। उनका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, उनका काम किस तरह का है, वो आगे क्या प्लान फ्यूचर कर रही हैं, फ्यूचर में क्या उनका सिलसिला होगा, उसके बारे में हम उनसे खुद ही बात करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सईदा शीरी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आई एम रियली ग्रेट एंड ऑनर्ड के इतने यंग और अच्छे जो बच्चे हैं वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। बिकॉज जो भी आपसे मेरी बात हो रही थी उसमें आपका सारा फोकस यही था कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए करना है, मैंने अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए करना है। सबसे पहले तो यही सवाल करूंगी कि ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, इसका आपको शौक़ कैसे हुआ? क्योंकि आपने आर्किटेक्चर पढ़ा, फिर ज़ाहिर है आपने किया भी वो उसकी भी डिज़ाइनिंग की, लेकिन ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ आपका रुझान हुआ वो कैसे हुआ? अच्छा, अब आर्किटेक्चर जब मैंने पढ़ा था तो तब भी उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा था। आर्किटेक्चर बेसिकली आप एक छोटे स्केल से लेके एक बहुत लार्ज स्केल तक काम कर सकते हैं। बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मुझे शौक़ इसलिए हुआ क्योंकि उसमें मुझे लगा कि मैं एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकती हूँ, मटेरियल ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि जो चीज़ मैं एक बिल्डिंग की फसाड पे यूज़ कर सकती हूँ वो मैं उसको इंटीरियर में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, कलर्स के साथ प्ले करना, डिफरेंट मटीरियल्स के साथ प्ले करना। तो उससे मेरा जो रुझान था वो ज़्यादा इंटीरियर की तरफ गया कि मैं उसमें ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकती हूँ, मेरे पास स्पेसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि मैं एक स्पेस को ही बिल्ड करूं और उसी में ज़्यादा फोकस रखूं, उस स्पेस के अंदर कितनी चीज़ें की जा सकती हैं वो अंडरस्टैंड किया मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म में जॉब की। अच्छा, तो वहाँ तो वहाँ से एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ से एक्सपीरियंसेस गेन किए और कुछ चीज़ें वहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टडी किए कि किस तरह से आप लोग को इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो देखते देखते मेरा ज़्यादा जो था रुझान वो इंटीरियर की तरफ चला। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बेसिक्स रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं और जिसमें आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, वो क्या होंगे? अच्छा, परफेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर, तो अब आजकल तो इंटीरियर डिज़ाइनर एक कोई भी इंसान आप कि सिर्फ क्रिएटिविटी हो, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव ना हो। आपको सिर्फ चीज़ें परसू करनी पड़ती हैं कि आप किस तरह से उस एक पॉइंट को लेके बिल्डअप कर सकते हो। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। वो तो मेरे ख्याल से हर काम में ये ज़रूरी है, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी टीचर्स भी अक्सर जो हैं वो थोड़ा मोटिवेट नहीं करते इस साइड पर जाने के लिए, क्योंकि अगर आप फॉर इंस्टेंस आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ आर्किटेक्चर पे ही फोकस करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो आर्किटेक्ट्स जो हैं वो नहीं बन सकते इंटीरियर डिजाइनर, साबित कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ये है कि अगर आप आर्किटेक्ट हैं और आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं तो आपको स्पेसेस को सबसे पहले स्टडी करना है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं डायरेक्टली डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के साथ भी काम करती हूँ कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग उनके लिए कर रही होती हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्पेसेस उस अकॉर्डिंगली अलॉट नहीं की होती, डिज़ाइन नहीं की हुई होती। जैसे किचन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है जिसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि पूरे घर की प्लानिंग हुई होती है बट एक किचन एक ऐसी स्पेस है जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वो बस एक ऐसी स्पेस होती है कि हाँ हमने इतना ब्लॉक किचन को एलोकेट कर देना है। फिर जब आगे जाके हम उस पर डिज़ाइन करते हैं और हमें मुझे पता होता है कि मैंने किस तरह से प्लेसमेंट करनी है, तो जाके प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ओके, कि डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली किचन एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आपकी सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, गैस यूज़ हो रही है, बिजली यूज़ हो रही है, पानी यूज़ हो रहा है, तो वो स्पेसिफिकली अच्छी डिज़ाइन और एग्जैक्टली एक खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। और जितनी भी ख़वातीन होती हैं और जो किचन से प्यार करती हैं उन्हें तो किचन सबसे खूबसूरत चाहिए। हाँ जी एग्जैक्टली, तो वैसे लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको। अब जाके जब हम लोगों ने किचन इंडस्ट्री को एक बिल्ड करना शुरू किया तब जाके लोगों को समझ आई है कि नहीं इसकी इम्पोर्टेंस है, वरना अक्सर लोग कहते थे कि ये तो हम खुद बना लेंगे। वो जो कुछ स्पेक्स होती थी वो
अब बतानी शुरू की हैं लोगों को, तो अब लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है, इसको ध्यान एग्जैक्टली. क्योंकि मैं खुद यही चीज़ समझती हूँ कि जब आपका घर तैयार हो रहा होता है, तब आपके इंटीरियर डिज़ाइन का डिज़ाइनर का काम तभी से शुरू हो जाता है. वो पहले से सारी चीज़ों को जज करना शुरू कर देता है और माइंड में अपनी एक वो डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए. और फिर आप गाइड भी कर सकती हो कि मैं इस तरह की चीज़ सोच रही हूँ, तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करो. एग्जैक्टली. अक्सर ऐसा होता है कि ग्रे स्ट्रक्चर्स में लोग मेरे पास आते हैं, तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं उनको कह देती हूँ आप मुझे अपने साथ अपने लेआउट शेयर करें, ताकि मैं आपको अभी बता सकूं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं. वरना जब ऑब्वियसली आप जब घर बना रहे होते हैं, आपने एक बजट एलोकेट किया हुआ होता है, तो वो क्लाइंट को दुख भी हो रहा होता है वो चेंज करते हुए चीज़ के, नहीं मेरे पैसे लग गए हैं उसके ऊपर. तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उनको उस टाइम पे सजेस्ट करना कि आप ये चेंजेस कर लें जब वो कर सकें. सही. फिर वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता. तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की किस तरह की आप मोस्टली आपके जो काम होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही होती है? अच्छा, हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि लोग अब आर्किटेक्ट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, तो अक्सर आर्किटेक्ट्स ने खुद से कुछ थीम्स सोची हुई होती हैं कि हम लोगों ने ग्रेज को फॉलो करना है, हमने वाइट्स में जाना है. हमने तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं, मेरे पे जब काम आता है, जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे काम आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एक मूड बोर्ड बना लेती हूँ. अच्छा. कि हम लोगों ने ये स्पेस है और इसका हमने थीम जो है इन कलर्स में रखना है, तो उन कलर्स के अकॉर्डिंगली फर्नीचर, फ्लोरिंग, सीलिंग, वॉल्स, सो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होती हैं. फिर मैं क्लाइंट को सैम्पल्स के थ्रू गाइड करती हूँ कि फैब्रिक आपका मैं ये यूज़ करूँगी, टाइल्स हम इस तरह की लगा रहे हैं, तो वो फिर क्लाइंट का भी इनपुट आ जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस चलता रहता है और फिर एक फाइनल इमेज तैयार हो जाती है. अच्छा, मटेरियल के हवाले से अगर मैं पूछूं, तो मटेरियल पे किस तरह का आपका फोकस होता है? कोई भी अगर आपको जैसे क्लाइंट ने चीज़ बता दी कि जी मुझे इस तरह का चीज़ चाहिए, जाहिर है आपकी अपना एक होता है कि जी बेस्ट से बेस्ट देना है, तो मटेरियल पे किस तरह का आपका फोकस होता है? अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स ऑब्वियसली मार्केट स्टडी कुछ लोग नहीं होती, लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब वो हमारे पास आते हैं उन्होंने एक इमेज देखी हुई होती है, वो गूगल से, पिंट्रेस से और डिफरेंट साइट्स जो है वो देख के आए हुए होते हैं, तो वो हमारे सामने कोई इमेज रख देंगे कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए. तो अब डिफरेंट स्पेसेस होती हैं, जैसे बेसमेंट होती है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, हर स्पेस की अपनी स्पेक्स होती हैं. कि बेसमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ऊपर आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं आपकी लाइटिंग और ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं. तो अगर कोई स्पेस उनकी स्पेस में एडजस्ट नहीं हो रही, तो फिर हम मटेरियल के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करते हैं. जैसे अब डिफरेंट मटेरियल, MDF यूज़ होती है, वुड की ऑल्टरनेटिव, फिर उसके साथ PVC पैनलिंग यूज़ होती है, तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं जो फिर उनके कंसर्न्स को जो है वो ठीक कर देती है. कि अगर जैसे कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है, दीवारों में सेम वगैरह आ जाती है, तो फिर उसके लिए हम डिफरेंट उनको मटेरियल की एक लिस्ट बना लेते हैं प्राइस वाइज, कि वो उनको ज़्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, कॉस्ट एफिशिएंट रहते हुए कि उनका काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और एक अच्छा हम उनको सोल्यूशन दे सकें उनके बजट में रहते हुए. सही. अच्छा, बड़ा ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है आपकी भी एक अपनी वर्कशॉप है, उसके अंदर आपका सारा काम चल रहा होता है, एम्प्लॉयज़ का भी बड़ा आपके माइंड लेवल को मैच करना ज़रूरी होता है. जिस तरह का आपकी सोच है वैसे ही वो उनकी हो. तो जब आपने ये टीम अपनी बनानी होती है, तो क्या किन चीज़ों पर आपका फोकस हो रहा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो जब मैंने अपनी टीम बनानी शुरू की थी, तो मैं एक्सपीरियंस्ड लोग उस तरह से ढूंढ नहीं रही थी, क्योंकि जितना फ्रेश टैलेंट होता है उतना ज़्यादा अच्छा काम होता है. एग्जैक्टली. वो एक नया जोश और नया पैशन होता है ना, कि जी अपना बेस्ट देना है हमने. जब आपके सामने कोई बंदा आके बैठता है और वो जितना एक्साइटेड होता है काम के लिए, आपको उतना पता चल जाता है कि ये किस तरह से काम कर सकता है, क्योंकि स्किल्स डिवेलप हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता उनमें, आप उनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपने बस सारा काम उससे करवाना है. ऑब्वियसली आपकी एक फील्ड है, तो आपने उनके साथ मिलके काम करना है. तो जब आप उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, उनके आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ मैच करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, वो उनके ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ होते हैं हमारे, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएट हुए हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, तो हमारे थोड़े और सारे अपग्रेड होती रहती है ना चीज़ें. एग्जैक्टली. तो वो मिक्स एंड मैच होके, मैं कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती किसी भी जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि नहीं आपने यही चीज़ फॉलो करनी है. वो जो अपनी एक क्रिएटिविटी उसके अंदर डालते हैं, वो ज़्यादा एक बेहतर चीज़, क्योंकि जब आपके पास एक स्पेस है तो आप उसको बेहतर तरीके से जज कर सकते हो कि आपने उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है. तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई उन पर वो उन प्रेशर नहीं होता कि नहीं आपने हमारे अकॉर्डिंग करना है. कुछ चीज़ें हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हमारी, जैसे मैंने जो इंटीरियर डिज़ाइन फॉर्म अपनी लगाई हुई है, वो उसके कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी इंटीरियर करें, हम कहीं ना कहीं उन कलर्स का एक एलिमेंट ऐड करते हैं. बस ये एक पार्ट होता है जो हम उनको बता देते हैं, वो फिर अपने अकॉर्डिंगली अपनी क्रिएटिविटी से वो सब कुछ डिज़ाइन करते हैं. चेंजेस हो जाते हैं कि अगर कोई
क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के ब्रीफ के अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है तो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने। लेकिन एक प्रेशर तो हो सकता है क्लाइंट का, कि अगर कभी आपको कोई ऐसा खतरनाक क्लाइंट मिल गया जो बड़ा मुश्किल है, जैसे आपको समझाना, उसको एक अच्छी चीज की तरफ लेकर जाना, तो कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस इसलिए भी हुए क्योंकि अक्सर हमारी मीटिंग्स होती हैं वो 3-4 मीटिंग होती हैं। अच्छा। तो अक्सर लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग थॉट्स होते हैं, एक ही फैमिली होगी बट डिफरेंट थॉट्स होंगे। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं हर बंदे से अलग ब्रीफ लेती हूँ। ओके। अलग ब्रीफ लेके मुझे सबका माइंड सेट समझ आ जाता है कि जैसे अब एक घर का इंटीरियर करना है, हर रूम एक स्पेसिफिक बंदे का रूम, राइट, मैं हर उस बंदे से बात करती हूँ जिस जिसका वो रूम होता है, तो वो फिर उनको कन्विंस करना, उनके साथ रिलेशनशिप एक बिल्ड मुझे करना पड़ता है, क्योंकि आप जब इस तरह की फील्ड में होते हो तो ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इंटीरियर जो होता है वो ज़्यादा उनका डिपार्टमेंट। जब आप पैसा लगा रहे होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ फिर मेरे ख्याल से इन चीज़ों में नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर बन गया ना तब तक जो अंकल होते हैं सारे जो कर रहे होते हैं काम, उनका काम, वो कहते हैं हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया उसके बाद फिर हमें डायरेक्टली लेडीज के साथ जो उनकी मिसेज होती हैं उनके साथ ज्यादा काम करना पड़ता है। तो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग और वो इतनी हो जाती है इस टाइम पीरियड में कि अगर मैं उनको कोई बात सजेस्ट करती हूँ तो वो उसको कंसिडर करते हैं कि अच्छा नहीं, क्योंकि मैं उनको रीजंस देती हूँ कि हाँ नहीं ये इस वजह से ये इस तरह है, और ये इस वजह से, कि अगर वो कोई मुझे पहले से ब्रीफ दिया हुआ है उन्होंने और वो स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट हो पा रहा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से स्पेस के हिसाब से ही कलर कॉम्बिनेशन रखे जाते हैं, आपकी अगर कम स्पेस है तो आपने उन कलर्स को लेकर चलना है जिनसे आपका घर मजीद बड़ा लगे, और अगर आपने कंट्रास्ट देना है तो वो फिर उन्हीं के मैचिंग के साथ हो, तो ये मुश्किल तो नहीं होता? नहीं, असल में क्लाइंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्लाइंट के साथ ये मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब स्पेसेस भी बहुत सारी डिफरेंट होती हैं। अब जैसे आप रूम बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं या आप स्टूडियो बना रहे हैं, तो अक्सर आपको स्पेस छोटी होगी बट उसका एक्टिविटी क्या हो रही है उसमें, वो किस लिए बन रही है स्पेस, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको कलर्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। कि अगर वाइडर स्पेस है तो आप अगर उसमें, लेकिन आपकी वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ होनी है तो उसमें भी आपको ब्राइट कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो और वाइड लगे। जो छोटी स्पेसेस हैं उनमें आपको डार्क कलर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं कि वहाँ पे थोड़े कॉम्पैक्ट सी स्पेस लगे। तो इस वजह से कभी ऐसा नहीं होता कि वो अगर स्पेस का साइज जो है तो वही कलर्स यूज होंगे। हम कभी भी किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते क्लाइंट को कि नहीं ये ऐसे ही होगा या ये ऐसे ही करना है, तो वो सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, तो काफ़ी दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, ज़रूरी है कि आपका मेंटोर भी फिर उतना ही अच्छा हो, क्योंकि जब आप स्टडीज़ के दौरान पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो अगर आपको मेंटोर बहुत ज़्यादा अच्छा ना मिले तो चीज़ें जो है वो बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस उस हवाले से कैसा रहा? उस हवाले से मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का रहा कि जब तक मैं सीख रही थी अपने इंस्टीट्यूट में, जब मैं पढ़ रही थी, तब वहाँ पे आपको बेसिक्स पढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा। आपको बता दिया उसके बाद आप पे छोड़ दिया जाता है करो। स्टैंडर्ड्स बता दिए जाते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे कभी भी आपकी क्रिएटिविटी इस तरह नहीं निकलती कि आपको कोई स्पून फीड करे। तो वहाँ पे आपको बता देंगे ब्रीफ उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह के क्लाइंट के ब्रीफ की तरह टीचर्स आपको ब्रीफ दे देंगे और आपने फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करना है। अक्सर ऐसा होता है के कुछ टीचर्स होते हैं, हर बंदे का अपने पढ़ाने का तरीका होता है, एग्जैक्टली, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चलाते हैं कि कुछ इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ बिल्कुल फ्रीडम देते हैं कि नहीं आप एक्सप्लोर, क्योंकि जैसे आपने अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम दी कि हाँ भाई अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी थ्योरीज लेकर आओ, मैं कभी उनको निग्लेक्ट नहीं करूंगी, अप्रिशिएट ही करूंगी, तो फिर आपका दिल करता है काम करने के लिए, डिफरेंट आइडियाज देने के लिए, क्योंकि कभी भी आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करके काम नहीं कर सकते, वो क्रिएटिविटी निकल ही नहीं सकती। इंस्टीट्यूट्स में ऐसे होता है, आपके टीचर्स हैं वो आपको, मैं टीचर हूँ तो मैं सही हूँ, एग्जैक्टली, हाँ इस तरह होता है। इवन मैं एक जगह पे जॉब करती थी तो वहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता था कि जो चीज़ मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ और वो स्पेस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रही हूँ, बट क्योंकि वो वहाँ पे ओनर होते थे तो मैं ओनर हूँ, तो ये काम इस तरह करना है, तो वहाँ से मैंने सीखा कि क्या नहीं करना अपने एम्प्लॉइज के साथ आगे जाके। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजेदार डिजाइनिंग किस चीज की आपको लगती है पर्सनली? मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है किचन की स्पेस डिजाइनिंग, क्योंकि किचन की एक इस तरह की स्पेस है कि आज तक मतलब जितना इंटीरियर चलता हुआ आ रहा है पुराने घरों में और उस तरह से, वो एक ऐसी स्पेस है जिसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, नहीं देते, और अब जाके जब हम उसको डिज़ाइन करने के लिए बैठते हैं तो वो बहुत
आसान नहीं है डिज़ाइन करना. किचन एक ऐसी स्पेस है क्योंकि आपको सर्कुलेशन देखनी पड़ती हैं, आपको प्लेसमेंट्स देखनी पड़ती हैं, आपको हाइट्स देखनी पड़ती हैं, एक्सेसिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं. इसी वजह से मैंने जो है परसों ही इस चीज़ को किया कि मैं आगे जाके लोगों को इस पर भी गाइड कर सकूँ कि आपके लिए स्पेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि ये जब आपका घर डिज़ाइन हो रहा है तो ये स्पेस ही उस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपके क्या एक माइंडसेट है. कि आप लोग अब ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे घूम फिर के आ रहे हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो वही चीज़ वो यहाँ पे अपने घरों में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं. तो मैं इसलिए मुझे मज़ा आता है ज़्यादा किचन स्पेस डिज़ाइन करने का, क्योंकि उसमें आपका स्कोप ज़्यादा हो जाता है कि आप उसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं. वही स्टैंडर्ड स्पेसिफिक चीज़ें नहीं फॉलो करनी पड़ती अब जाके, तो वो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. ओवरऑल भी बहुत मज़ा आता है इंटीरियर में, बट किचन एक ऐसी स्पेस है जिसको डिज़ाइन करके मज़ा भी आ रहा होता है ना. बिकॉज मेरा भी यही सीन है कि जब मैं कभी भी जैसे मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई और मुझे घर देखना था, तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मुझे किचन अच्छा चाहिए. मतलब पूरा घर आपका कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुझे किचन थोड़ा सा छोटा होता था या वो अच्छे कैबिनेट्स नहीं लगे हुए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो मैं कहती थी नहीं मुझे ये घर नहीं लेना. इसी तरह तो अब वो इंपॉर्टेंस है उस चीज की, तो वो स्पेस डिजाइन करने में भी बहुत मजा आता है. दैट्स रियली ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर. एंड वाकई जो आपके डिजाइन अभी हमने देखे दे आर रियली मार्वलस. और आई नो कि जितने भी लोगों ने जो आपके क्लाइंट्स बने होंगे वो हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेंगे और आगे स्प्रेड ऑन करते रहेंगे ताकि आपको मजीद क्लाइंट्स मिलते रहे. और जिस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज को लेकर चल रहे हो, जैसे आपकी थॉट्स हैं कि अगर आप कहीं अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप जाती हो तो आप अपनी कंपनी को एज अ पाकिस्तानी कंपनी आप वहाँ पे उसको ले जाके प्रमोट करोगे, तो दैट्स अ वेरी गुड थॉट. तो इंशाल्लाह आपका ये काम इसी तरीके से चलता रहे और आप मजीद कामयाब रहो. थैंक यू सो मच शीरीन. और नाजरीन इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा.